नमस्कार दोस्तों, अब जो है मैं और अंश की मम्मी, दोस्तों हमारे जो पीने वाले साडू साहब हैं बड़े, उनकी माजी मतलब उनकी दादी जी का जो है स्वर्गवास हो गया, वो स्वर्ग सिधारगी। तो दोस्तों आज जो है 10 तारीख में 10 दिसंबर उनके पत्ते हैं, 13वीं है। तो दोस्तों चल रहे हैं, काफ़ी एज उनकी हुई तो वहीं पता करेंगे कितनी एज हो गया उनकी गुजरी है, क्योंकि साडू साहब की भी दादी जी अभी तक हैं तो बहुत बहुत खुशी की बात है, मतलब नहीं रही अब तो वो। फटाफट, समय तो कम ही है, आके दोस्तों गेहूं बोने हैं तो चले चलते हैं, गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सुबह सुबह दोस्तों ये दिक्कत पेश आ जाती है। तो दूसरी सेल पर गाड़ी स्टार्ट हुई है दोस्तों, ठंड बहुत है। बाकी यहाँ से पापा जी हैं, पापा जी नमस्ते, मम्मी जी नमस्ते, सभी का आशीर्वाद लेते हुए दोस्तों चल रहे हैं फटाफट। खतौली, खतौली से बाहर बाहर जो मुजफ्फरनगर हाईवे है इस पर चल रहे हैं। स्पीड है 65, 66। और ये देखें चारों तरफ की लोकेशन देखें, अब यहाँ भी होटल कॉलेज और न जाने क्या क्या बनने लगे हैं। बारात घरों का ज्यादा जोर है मेरी जोम का। ये देखो यहाँ नीचे आता है नहर से पहले नीचे उतरने का रास्ता, तो यहाँ से नीचे उतर के आप नहर पटरी पे जा सकते हैं। खतौली के अंदर भी ये बुढ़ाना रोड है। और ये अब हम आगे बस नहर आ गई है, शिखर लिख रहा है जहां, वहां से नहर देखेंगे आप। नहर पार करके फिर जो है नहर पटरी के लिए उधर से जाना पड़ता है फाटको से आके, थोड़ा चल के नीचे उतर के फिर नहर पटरी से आप देहरादून निकल सकते हैं। जब भी हमें जो है उत्तराखंड जाना होता है हम नहर पटरी का वाले रास्ते का यूज करते हैं, ट्रैफिक रहता नहीं बिल्कुल भी, गजब रास्ता है। ये देखे नहर दिखाओ, नहर पार कर गए हम, नहर बढ़िया चल रही है, बहुत ज्यादा भर के तो नहीं चल रही। और यहाँ देखे लोकेशन नीचे खेतों की देखे, गन्ना ही गन्ना खड़ा है, सब गन्ना बेल्ट है। खतौली, खतौली और सकोती मिल का इलाका चल रहा है ये, टिंग टोंग। दोस्तों अब ये फिर खतौली मुजफ्फरनगर रोड पर आकर बाईपास मिल गई है। ये खतौली से बाहर बाहर निकाल ली थी, क्यों? क्योंकि खतौली में तो रोड चौड़ी कर नहीं सकते थे, लेकिन वहां कभी ना कभी को एलिवेटेड निकालनी पड़ेगी खतौली के बीच से भी, क्योंकि ट्रैफिक जाम बहुत बुरा रहता है खतौली में। जो लोकल की पब्लिक है वो बहुत ज्यादा, और गन्नों के सीजन में तो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो दोस्तों ये अब हम फिर से NH 58 पे आ गए हैं बाईपास के जरिए। दोस्तों अब जो है थोड़ी देर के लिए वहलना गांव में रुक गए थे, तो यहां से भी कोई हमारे साथ चल रहे हैं। तो दोस्तों गाड़ी धूम में खड़ी थी दोस्तों, अब थोड़ी राहत सी हुई है, नहीं सुबह से सर्दी नहीं उतरी थी हमारी। चल स्टार्ट कर लेते हैं, चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये आप सामने देख रहे हैं मुजफ्फरनगर का पीना गांव है, और मेन रोड तो उधर है। ये देखें यहाँ ये चरथावल रोड है, तो देखें गन्नों का सीजन दोस्तों जोर शोर से चल रहा है, तो यहाँ उनके भाई साहब के घर से काफी दूर जो है यहाँ प्रोग्राम था। उनकी जो है भाई साहब की दादी जी, जो हमारे साडू साहब हैं, उनकी दादी जी जो है 98 वर्ष की होकर गुजरी है। तो दोस्तों दुख के साथ साथ में खुशी का मौका भी था कि पड़पोते अपने उन्होंने खिलाए और बड़ी अच्छी रही बिचारी, बहुत बहुत उनकी आत्मा को शांति मिले। तो दोस्तों अब चल रहे हैं फटाफट, निकल रहे हैं यहाँ से, गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों थोड़ी देर के लिए जो है उज्जवल और भाई के पास में रुक के चले हैं,
महल ने कहा उमर ये देखे, ये तो उज्जवल भाई वाली है लूसी, और उसका नाम क्या? रानी। दोस्तों यहाँ के पिटबुल जो है मुझे कुछ ज्यादा समझदार से लगे। सो भाई भैंसा रोक रखा अभी? नहीं जी, दे दिया। अच्छा कहाँ गया? जो खानपुर गया जी, मीरापुर खानपुर। अच्छा मीरापुर खानपुर में। किसके पास गया वो? अतुल गए। अच्छा तो गांडे ढोने गया वहाँ पे। अच्छा ट्रेनिंग के लिए भेजा, जिसे मतलब ठल दी ना रहे, खराब ना हो। बहुत बढ़िया भैया। तो शौकीन भाइयों के लिए अपना नाम बताओ भैया। बादल नाम है। अच्छा पहलवान नहीं चल रही है? नहीं जी बंद कर दी थी, चोट लग गई थी। अच्छा चोट लग गई थी। तो बादल गांव वहलना। तो दोस्तों ये अपने रिश्तेदार हैं, और जो है उज्जवल तो जो है आपका डावाडा रखता नहीं, अब तो ये तो खाने कमाने पर लग रहे हैं। और जो है भूरा गैंग भी आ लिया है। और बाबू जी राम राम जी। और बढ़िया मोसा तो भैया सुधार पे सभी सारा गैंग सुधर गया। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अब चल रहे हैं घर, ये देखें। अब दोस्तों जहाँ से वीडियो स्टार्ट करी थी वहीं पे दी एंड कर रहे हैं। और एक दोस्तों पूरा दिन हो गया खड़े खड़े गाड़ी चलाते चलाते, और एकदम जो है अभी गाड़ी में आ गया है अभी। हेलो 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 मोटी। तो दोस्तों फिर दोस्तों रात रुकने का प्रोग्राम था, फिर हम रुके नहीं, आ गए हैं घर फटाफट। तो दोस्तों अब जो है ये रियो वाली टी शर्ट निकाल के अपनी जंगल रेस पैर के गाय के साथ में लगते हैं, क्योंकि दोस्तों एक बात हो रही है, जो छोटी मौसी है उनके पोता हुआ है बहू के, तो जो छोटी बहुरानी है वो गवर्नमेंट जॉब में जो है किसी भी भाग में इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत हुई है। तो दोस्तों बड़ी खुशी की बात हुई है, फिर ये खुशी आ गई है उनकी फैमिली में। तो दोस्तों मम्मी नहीं है तो मुझे गायों का ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा घर का भी काम देखना होगा, इतने मम्मी नहीं आती। यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद, जुड़े रहिए। टिंग टोंग।